कैसा रहेगा दोस्तों अगर आज हम इंडिपेंडेंस डे पे बनाना सीखें डोरी। ये मैंने तीन कलर्स लिए हैं, केसरी कलर, सफ़ेद कलर और हरा कलर, जो कि हमारे नेशनल फ्लैग के कलर्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, सीखते हैं डोरी बनाना। बनाने से पहले आप सभी लोगों को इंडिपेंडेंस डे बहुत बहुत मुबारक हो। तो हम ये वाइड स्ट्रिप्स ले लेते हैं और अब हम इसमें डोरी बनाएंगे, जो कि बहुत इजी ट्रिक मैं बता रही हूँ आपको और बहुत ही प्यारी डोरी बनके तैयार होने वाली है, जो कि हमारे सारे सूट्स और हम जो डिज़ाइनिंग करते हैं बहुत यूज़ होती है। हम इसमें सबसे पहले 1 इंच की स्ट्रिप्स काट लेते हैं चौड़ाई में। आप इसको मोटा और पतला दोनों कर सकते हैं, जैसे आपकी नीड हो उसी के अकॉर्डिंग। अब हम इसको फोल्ड करते हैं और अब हम इसके ऊपर सिलाई लगाना शुरू करते हैं। ये देखिए, हम इसके ऊपर किनारे किनारे सिलाई लगाएंगे और जैसी हमें पतली लेनी हो या मोटी लेनी हो उसी के अकॉर्डिंग। मैं जो हूँ, जो मेरा आप बूट देख रहे हैं सिलाई का, उसके नीचे मैं बहुत मेरी नज़र जो है उसके बूट के नीचे जो मेरा जो पैटर्न है उसी के ऊपर रहती है, ताकि जो स्टिचिंग की जो लाइन है वो बिल्कुल एक सी आए। ये देखिए इस तरीके से ये मेरा बिल्कुल इक्वल आएगा और मैं पूरी डोरी पर इसकी जो है स्ट्रिप पर मैं सिलाई लगा लूँगी। ये लास्ट में मैं थोड़ा सा चौड़ा करूँगी, लास्ट में मैंने इसको थोड़ा सा चौड़ा किया है। अभी मैं आपको दिखाऊँगी आगे कि जब इसको पलटते वक्त मैंने इसको चौड़ा क्यों किया है, ताकि ईज़िली इसकी जो डोरी है पलट सके। ये मैं एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसकी कटिंग कर देती हूँ। एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये पलटने में आसानी पैदा करेगा। अब जो है मेन जो है वो पॉइंट ये है कि अब हम धागा और सुई लेते हैं, किसी भी कलर का धागा सुई ले सकते हो आप पलटने के लिए। और ये ज़्यादा नहीं, बस 8 इंच का लंबा धागा डालते हैं। हम उसको डबल कर लेंगे और हम उसके नीचे कांट लगा देंगे। अब हम जो कि हमने हल्का सा मोटा छोड़ा था लास्ट में, उस साइड से लेंगे। और ये देखिए, ये हम इस तरह से ये थोड़ा सा हमने जो मोटा छोड़ा है उसमें इस तरह से इसको डालते हैं निडल को अपनी, और इस तरह से हम फंदा डाल के उसके बीच में से निडल निकाल लेंगे। ये देखिए, मैंने इसके सुई जो है बीच में से निकाल लिया और ये इस तरह से फंदा डाल दिया है। अब हम सुई को सीधी तरफ से नहीं बल्कि उल्टी तरफ से, ये बहुत ध्यान देना चाहिए हमें। कई बार हम सीधी तरफ से भी, बहुत से लोग जिनको पता नहीं होता कर देते हैं, हमें उल्टी तरफ से डालना है। और अब हम इसके अंदर इसको इंसर्ट कर देंगे। ये देखिए, पूरी निडिल धागे समेत ये बाहर निकल गई है। अब हम क्या करेंगे, ये जो धागा निकाला है हमने बाहर की तरफ, इसको जो मशीन के ऊपर जो ये लगा हुआ होता है इसके अंदर हम फंसा देंगे। ये देखिए, ये इस तरह से फंस जाता है सुई के साथ। और अब हम इसकी डोरी को पलटना स्टार्ट करेंगे। सबसे नीचे हम इसका जो है ये हल्का सा नीचे की तरफ इसको खींचेंगे। और एक बात दोस्तों हमेशा याद रखनी है, बहुत ज़ोर से नहीं, बहुत ही प्यार प्यार से हमें इसको नीचे की तरफ खींचना है, क्योंकि अगर हम तेज़ खींचेंगे तो हमारा धागा टूट जाएगा और हमारी डोरी जो है बीच में ही रुक जाएगी। तो हम जो है इसको बहुत ही प्यार से नीचे की तरफ इसको खींचते रहेंगे। और ये देखिए, जिस तरीके से मैं खींच रही हूँ इसको धीरे धीरे आराम आराम से, ये देखिए, ये देखिए हमारी जो डोरी है वो निकल कर आ गई है ऊपर। अब हमें कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि हमारी डोरी निकल आई है। अब धागे टूटने की कोई फिक्र नहीं है। अब हम इस डोरी को, ये जो मशीन की ये निकली हुई है, इसमें हम बांध देंगे टाइटली।
और अब हम इसको खींचना शुरू कर देंगे। अब हमें धागा टूटने का कोई डर नहीं है, अब हम इसको आराम से खींच सकते हैं। ये देखिए बाहर हमारी डोरी आराम से निकल रही है। और ये देखिए कितनी एक सी पतली और बढ़िया डोरी हमारी निकलकर तैयार हुई है। इसी तरीके से आप हर साइज़ की डोरी बना सकते हैं और अपने डिज़ाइनिंग में, अपने कपड़ों में यूज़ कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें मेरे और आपके चैनल फैशन क्रॉस को और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो आपको सही समय पर मिलती रहे।